गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, जैसा कि आपको पता है कि आपका क्लास जगदीश सर पढ़ाते हैं, बट किसी वजह से जगदीश सर अभी अवेलेबल ऑनलाइन नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैं MD जावेद आलम, डायरेक्टर GDS स्कूल, इस सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा। तो आपका साइंस मैं पढ़ाऊंगा, आपका साइंस का बुक का नाम है ग्रेविटी फॉर क्लास 3rd। यस, ऑल द चिल्ड्रंस आर वेलकम टू द साइंस क्लास एंड द न्यू क्लास आल्सो, एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर प्रमोटिंग फ्रॉम 2nd क्लास टू 3rd क्लास, राइट। तो आज आपको हम बताएंगे साइंस, और साइंस में सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, टोटल 6 यूनिट है। इस 6 यूनिट को आपका, आपको पता है कि आपका 4 एग्ज़ाम होने वाले हैं, FA1, SA1, FA2 एंड SA2, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यूनिट 1 का जो सिलेबस है आपका FA1 में आएगा, और यूनिट 1 में कौन कौन से चैप्टर है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यूनिट 1 टॉपिक का नाम है थिंग्स अराउंड अस, मीन्स कि जो हम लोग के आसपास में जितने चीज़ें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द साइंस। ये कोई रिलीजियस बेसिस पर नहीं सोचेंगे, कोई प्रीजुडाइस थिंकिंग के ऊपर नहीं, द फैक्ट्स के ऊपर और सिस्टमेटिक पढ़ाएंगे, इसलिए तो इसका नाम साइंस है। तो थिंग्स अराउंड अस, इसमें चैप्टर 1 है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, 2nd चैप्टर है पार्ट्स ऑफ प्लांट, एंड 3rd चैप्टर है एनिमल्स एंड देयर ईटिंग हैबिट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू कवर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। डेफिनेटली लिविंग थिंग्स आपको पता है कि नाम ही उसका, वेयर वी लिव इन दिस वर्ल्ड वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, एंड दीज आर द ट्रीज, एनिमल्स, टॉयज, कंप्यूटर, हाउसेस, बिल्डिंग, कार्स, एरोप्लेन, फ्लावर्स, माउंटेन, रिवर, etc. और बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद ही गिन सकते हैं कि कितने सारे लिविंग थिंग्स हैं और कितने सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। बट हम सबको जानना पड़ेगा पहले कि जितने भी चीज़ें हैं 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक लिविंग थिंग्स जिसके अंदर लाइफ होता है, एक नॉन लिविंग थिंग्स जिसके अंदर लाइफ नहीं होता है। तो कुछ कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि कुछ चीज़ें खास है जिसके वजह से उसका नाम लिविंग्स है, और कुछ खास चीज़ें हैं या नहीं होती है उसमें, दैट्स वाई वो नॉन लिविंग थिंग्स है। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। चैप्टर 1, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। द वर्ल्ड इज अ वंडरफुल प्लेस, देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड अस। व्हेन वी लुक अराउंड अस वी सी मेनी थिंग्स लाइक ट्रीज, हाउसेस, चेयर्स, ग्रास, एनिमल्स, टेबल एक्सेट्रा। सम ऑफ दीस थिंग्स आर लिविंग थिंग्स व्हाइल अदर्स आर नॉट। All things can be divided into 2 groups, living and non-living things. Let us talk about living things. Things that have life are called living things. All plants and animals are living things. Living things move. Animals move from one place to another in search of food, shelter, etc. Men walk. Birds fly. Snakes crawl. Horses run. And fishes swim.
Plants do not move from one place to another because they are held firmly in the soil by their roots. But some plants show special kind of movement, like the opening and closing of flowers of a lotus plant. The sunflower turns in the direction of sunlight. Living things need food in order to live and grow. Plants make their own food in their leaves with the help of sunlight, air and water. Animals like cow, goat and rabbits eat plants. Some animals like lion, tiger and wolf eat animal flesh. Birds eat grains and insects. Bigger fish eat smaller fishes. Human beings and other animals like bears eat both plants and animals. So, we can say that humans and animals depend on plants for survival. Living things feel. What happens when you touch a hot cup of tea or milk? You immediately draw your hand. Now, when we keep a glass of hot milk on a stove, we see that it does not move. This shows that living things feel. Plants also have a sense of touch. The touch-me-not plant closes its leaves when you touch it. Living things breathe. All living things need air. We breathe in air which has oxygen. Like us, all living things breathe. All living things have special organs which help them breathe. Animals like lion, cow, rabbit, etc. breathe with the help of lungs. Human beings also breathe with the help of lungs and the nose. Fishes breathe through their gills. Plants breathe through the stomata. Stomata are tiny openings on the leaves. This shows that air is needed both by plants and animals. Living things grow. A seed grows into a small plant and a small plant grows into a big tree. A chick comes out of an egg and grows into a hen. A baby grows into a child and a child grows into a man. As living things grow, it changes its size and shape. Living things reproduce. All living things give birth to young ones which are like themselves. This is known as reproduction. Human beings reproduce by giving birth to babies. Birds, fishes, frogs, snakes, etc. reproduce by laying eggs. Other animals like cat, dog and lion reproduce by giving birth to young ones. Plants reproduce by seeds. Living things die. All living things grow and finally die. Humans and animals die in old age. Plants also die. Now, let us talk about non-living things. A non-living thing is anything that has no life. Non-living. जैसा कि आपको बताया गया, लिविंग थिंग्स के कौन से कौन से क्वालिटीज क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके होते हैं जिसके वजह से उसको लिविंग थिंग्स बोला जाता है। जैसा आपको बताया, लिविंग थिंग्स मूव्स मींस वो मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, है ना। जैसे आप यहाँ से वहाँ मूव करते हो तो आप लिविंग थिंग्स हो गए। जैसे काव मूव करती है वो भी लिविंग थिंग्स हो गए। एलिफेंट, डॉग, स्नैक, फ्रॉग, ठीक है, ये मूव करते हैं। बट कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं जो मूव नहीं करते, जैसे प्लांट, वो लिविंग थिंग्स हैं बट मूव नहीं करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग थिंग्स नीड फूड मींस लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है, उसको खाना चाहिए होता है। तो प्लांट्स अपना खाना सूरज की रोशनी, जैसे सूरज के प्रेजेंस में, सनलाइट की रोशनी में अपने खाना बनाती हैं, बिकॉज उसमें क्लोरोफिल होता है। अपना प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, अपना खाना खुद बनाते हैं। और हम लोग जो एनिमल्स है उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। सो लिविंग थिंग्स नीड फूड, जितने भी लिविंग थिंग्स हो या छोटा हो या बड़ा, सबको खाना चाहिए। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग थिंग्स ग्रो, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो बढ़ते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर वो बूढ़ा भी हो जाता है। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट बिकम बेबी, देन चाइल्ड, देन बॉय और द गर्ल, देन द एडल्ट, देन द फुल ग्रोन अप,
man, a woman, then the old age, then they grow like same like a plant. जब से छोटे होते हैं छोटे छोटे पौधे होते हैं फिर बड़े होते हैं फिर बड़े होते जाते हैं तो living things grow करते हैं. Fourth characteristics है living things breathe. जैसे हम लोग भी सांस लेते हैं हम लोग भी ब्रीथ करते हैं प्लांट भी ब्रीथ करते हैं बट प्लांट के ब्रीथिंग ऑर्गन तो दिखाई नहीं देते हैं. हाँ माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखाई देगा उसके नाक को हम लोग जो अपना नोज होता है उसके नोज को बोलते हैं स्टोमेटा और स्टोमेटा के थ्रू वह अपना ब्रीथिंग करता है. देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग थिंग्स के लिविंग थिंग्स फील उसको फील होता है. जैसे हम लोग को अगर कोई सुई से चुभाए तो आप क्या करोगे चौंक जाओगे है ना या फिर आपको लगेगा हाँ सुई कोई दे रहा है हमको तो आपको फील होता है. और कोई गर्म चीज़ को आप टच करते हो तो फील होता है ठंडा चीज़ टच करते हो तो फील होता है वो फीलिंग्स है. तो उसी तरह से ह्यूमन को जैसे फीलिंग होता है उसी तरह से प्लांट को भी फीलिंग होता है. कुछ कुछ प्लांट का नाम सुना होगा जैसे टच मी नॉट आप उसको टच करते हो तो वो क्या होता है शर्मा जाती है और झुक जाती है ना. उसी तरह बस सभी प्लांट को फीलिंग्स होते हैं बट कुछ फिक्स होते हैं जिसकी वजह से मूव नहीं करता है कुछ फिक्स नहीं होते जिसकी वजह से मूव करता है. नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस होता है एक जगह से एक जैसा ही अपने दूसरे को प्रोड्यूस करता है. जैसे बड़े हो गए तो उनका बेबी होगा काऊ का भी बेबी होता है मींस के एक जैसा ही वो अपने जैसा जो पैदा करते हैं उसको बोलते हैं रिप्रोड्यूस. एंड लिविंग थिंग्स आल्सो डाई जो चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या फिर प्लांट हो वो डाई होते हैं मरता है क्योंकि लाइफ स्पेन है सब चीज़ का. और कुछ दिन के बाद जिसका लाइफ जितना है उतना दिन वो रहते हैं उसके बाद वो मर जाते हैं. तो आप बच्चों आप सब ने देखा लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो अपने आप से पूछना और लिस्ट बनाना लिविंग थिंग्स कौन कौन है. अगर यह कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने आपको बताया वो सब क्वालिटी उसमें है तो लिविंग थिंग्स है अगर वो क्वालिटी नहीं है तो वो नॉन लिविंग थिंग्स है. समझ में आ गया किसी को कोई डाउट अगर डाउट होगा तो लिख लेना अपने कॉपी में और मुझे व्हाट्सएप कर देना या फ़ोन से भी आप मुझे पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्लास आपका जो होगा वो नॉन लिविंग थिंग्स एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं बताऊंगा. तब तक के लिए बाय बाय सी यू.